अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। वायरलेस डिस्प्ले अडेप्टर एनीकास्ट, इसका डोंगल और ये है इसका वायर, और ये रही इसकी बुकलेट। क्रोमकास्ट के फायदे ये है, इससे आपका नॉर्मल टीवी एक स्मार्ट टीवी बन जाएगा, जिससे आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर लो। ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है, चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। मेरा नाम है कितांश, वेलकम बैक टू माय बुआस चैनल एएस क्रिएटिविटी। तो अब मैं रिव्यू करने वाला हूँ वायरलेस डिस्प्ले अडेप्टर एनीकास्ट। कंपैटिबिलिटी विद वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा इसमें दिखाया हुआ है दोस्तों। और ये मल्टीपल स्टैंडर्ड जैसे सपोर्ट एंड्रॉयड iOS डिवाइसेस, मैक एंड विंडोज़ PC सब में ये कनेक्ट हो जाता है। और इसमें दिखाया हुआ है सिस्टम में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो इसकी प्राइस है 1350। तो ये आपको इसके लिए HDMI पोर्ट चाहिए रहेगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। गाइज मेरा नॉर्मल टीवी है LG LED, ये नॉर्मल टीवी है, इसलिए मैंने क्रोमकास्ट ऑर्डर करा था। तो पहले आपका LG आएगा, आपको क्या करना है, ये लीड को आपको इस डोंगल में कनेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको HDMI पोर्ट में इसको कनेक्ट कर देना है। अब ये USB इन में डालना है, ये अभी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब टीवी को आप ऑन करके सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इनपुट में जाना है। इनपुट में जाने के बाद यहाँ पे आपको आपका पहले से AV2 होगा, तो आपको यहाँ पे HDMI 1 करना है। यहाँ पे HDMI 1 हो के लोडिंग लेगा, फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा एनीकास्ट। अब आपको आपको मोबाइल से आपको ऑन करना है अपना कास्ट। सेटिंग्स से जाने के बाद आपको यहाँ पे कास्ट सर्च करना है। कास्ट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पहला आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको जाना है, कास्ट में क्लिक करना है, यहाँ पे ऑन करने के बटन में। और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा, अब आपको मिलेगा यहाँ पे एनीकास्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप टीवी में थोड़ा वेट कर लीजिए, ये आपका खुल चुका है। आप देखो जैसे मैं कोई प्ले स्टोर ऑन करता हूँ, यहाँ पे प्ले स्टोर भी ऑन हो रहा है, मेरे मोबाइल से हो रहा है। यहाँ पे आप जैसे एंसी गाना सुन सकते हो, कोई भी यूट्यूब में कनेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना, और मिलता है ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए।